हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नेल्स ग्रोथ का टॉपिक। जी हाँ, नेल्स ग्रोथ को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं, अगर आपके नाखून जो है कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं तो आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उनकी मजबूती को बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। और गाइज, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने से मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा गाइस कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी से 3 सिंपल स्टेप बताने जा रही हूँ। बहुत ही ईजी हैं ये स्टेप्स, अगर आप डेली कर लेते हैं ना तो गाइस आपको 20 दिन या 1 महीने में आपको फर्क लग जाएगा आपके नेल्स में, आपकी नेल्स की ग्रोथ जो है फास्ट होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बाउल में ल्यूक वार्म वाटर ले लिया है। आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है पानी को, सिर्फ इतना ही लेना है जिससे कि आप 2 से 3 मिनट तक अपने नेल्स को आसानी से इस पानी में डिप कर सकें। तो यहाँ पे आप पानी में ऐड कर लीजिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, लगभग 1 चम्मच के करीब। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल या बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें लेंगे नमक, 1/2 चम्मच ले लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप इस पानी में अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसमें डिप कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक नेल स्ट्रिप लेकर अपने नेल्स को अच्छे से साफ कर लूँगी। वैसे तो आप देख सकते हैं मेरे नेल्स साफ ही हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब मैं इस ल्यूक वार्म वाटर में, जिसमें कि मैंने ऑलिव ऑयल और नमक ऐड किया था, अब मैं इसमें 2 से 3 मिनट तक अपने नेल्स को डिप कर लूँगी। और इस प्रोसेस को आप वीक में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आप डेली करना चाहते हैं तो डेली में भी इसे कर सकते हैं। इससे आपकी नेल्स की जो ग्रोथ है फास्ट होगी, और आपके जो नेल्स बार बार क्रैक हो जाते हैं यानी कि जल्दी टूट जाते हैं कमज़ोर होकर, वो भी नहीं होंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे कर लिया है, मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब अपने हाथ को अच्छे से क्लीन कर लीजिए टॉवल से। सेकंड स्टेप आपका यहाँ पर है, एक गार्लिक ले लीजिए, इसे अच्छे से पील कर लीजिए। और इसके बाद आप अपने नेल्स पर इसे 3 से 4 मिनट तक आपने मसाज करनी है। सभी नेल्स पर आपने अच्छे से मसाज करनी है। और इस लहसुन वाला जो ये प्रोसेस है ना गाइस, ये आपने डेली में करना है, तभी आपके नेल्स की जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी। ये प्रोसेस ध्यान रहे आपने डेली करनी है, जितने भी मैंने प्रोसेस बताए हैं। हाँ, पानी में डिप करने वाला प्रोसेस अगर आप चाहें तो वीक में 2 से 3 बार आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर रेगुलर में आपके पास टाइम नहीं है। बट ये जो लहसुन वाला प्रोसेस है ना गाइस, ये आप डेली कर सकते हैं, क्योंकि किचन में जैसा कि आप काम करते ही होंगे तो उसी वक्त आप अपने नेल्स पर भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको ये प्रोसेस तो करना ही होगा डेफिनेटली, तभी आपके नेल्स की जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी और आपके नेल्स भी टूटेंगे नहीं। और इस लहसुन वाले प्रोसेस से जो गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस की है वो ये कि आपके नेल्स में चमक भी लाता है ये। ये देखिए, तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लिया है। अब मैं अपने नेल्स को वॉश नहीं करूँगी, इसी के साथ मैं अपने थर्ड जो मेरा स्टेप है उसको कंप्लीट करूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ थर्ड स्टेप की तरफ आपको क्या क्या चाहिए। स्टेप में आपको ईवियन के 400 mg के कैप्सूल्स चाहिए, ग्रीन कलर में आते हैं ये, बट ये आपको किसी भी शहर में मेडिकल स्टोर में इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है इसे ढूंढने के लिए। तो आपको 400 mg के एवियन के ये देखिए कैप्सूल्स चाहिए। और नेक्स्ट आपको इसमें चाहिए फिगारो का जैतून का तेल। जैतून का तेल आप चाहें तो किसी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बट मेरे पास अभी ये है तो मैं इसी ब्रांड का ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ गाइस, अगर आपके पास ओलिव ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल ले लीजिए, अगर विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप ओलिव ऑयल ले लीजिए। बट अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो माशाल्लाह क्या कहना, अगर आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी जो नेल्स की जो ग्रोथ है ना और ज़्यादा फास्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ
कि हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसे। तो ये देखिए, आप एक क्लीन बाउल ले लीजिए, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये देखिए, अब इसमें मैं एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करूँगी। इसे सीज़र से कट कर लीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी ये विटामिन ई का कैप्सूल। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इस दोनों तेल को ऐड कर अपने नेल्स पर मसाज करूँगी अच्छे से। और ये प्रोसेस भी आपने 2 से 3 मिनट तक करना है। आप चाहें तो कॉटन की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कॉटन में प्रोडक्ट जो होता है ना गाइज, वो वेस्ट हो जाता है। तो आप फिंगर की हेल्प से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके जो नेल्स के क्यूटिकल्स हैं ना, वो भी यू नो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 मिनट तक अपने नेल्स पर अच्छे से मसाज कर ली है। तो देखा आपने गाइस, कितना इजी था अपने नेल्स को यू नो केयर करना, अपने नेल्स की ग्रोथ को फास्ट करना, आप किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि मैं बाउल में गर्म पानी ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद आप अपने नेल्स को 2 से 3 मिनट तक डिप कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आपने देखा मैंने गार्लिक से अपने नेल्स पर मसाज करी है। और थर्ड स्टेप में आपने विटामिन ई कैप्सूल से और ऑलिव ऑयल से अपने नेल्स पर मसाज करनी है। तो ये तीनों ही स्टेप बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आप इसे ईजिली कर सकते हैं घर पर ही। और इससे आपके नेल्स की जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी और आपके नेल्स बढ़ जाएंगे, मजबूत होंगे और टूटेंगे नहीं जल्दी से। और आपके नेल्स के जो क्यूटिकल्स आते हैं यू नो छोटे छोटे, वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखा आपने मेरा तीनों स्टेप नेल्स ग्रोथ के लिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी से स्टेप्स हैं। तो एंड में मैं आपको एक ब्यूटीफुल टिप्स भी देना चाहूँगी गाइस, कि आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में है इस वक्त ग्लास की ये छोटी सी क्यूट सी बॉटल है। और इसमें आप देख सकते हैं जो आपको जल जैसा नज़र आ रहा है, ये देखिए मैंने इसमें विटामिन ई कैप्सूल्स जो इवियन के आते हैं, पूरा एक पैकेट जो होता है मतलब पत्ता, मैंने इसमें पूरा खाली कर भर कर रखा हुआ है जल का। इसके कैप्सूल को फोक करने के बाद मैंने इसकी जल को इस ग्लास बोतल में निकाल कर रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फिगारो का ये ऑलिव ऑयल जो है ऐड कर दिया था, 2 से 4 ड्रॉप्स इसमें ऑलिव ऑयल की भी मैंने ऐड की हुई है। और आप अगर इसके बेनिफिट्स भी देखना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं अपने चैनल पे ये हेल्पफुल वीडियो भी जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप ये देखिए अपने, मैं बेडरूम में रखती हूँ इसको यू नो बेड के पास रखती हूँ टेबल पर, जिससे मुझे डेली में याद रहता है कि मुझे अपने नेल्स पर इनकी यू नो इस विटामिन ई ऑयल की मसाज करनी है। तो मैंने इसमें बनाकर रखा हुआ है भरकर, क्योंकि डेली यू नो फोक करना कैप्सूल को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास, काफ़ी बिजी रहती हूँ। तो बस इसलिए मैं इसमें भरकर रख लेती हूँ। और नाइट में मैं डेली अपने नेल्स पर ये लगाकर सोती हूँ, जिससे मेरे नेल्स जो हैं टूटते नहीं हैं, मजबूत बने रहते हैं। और आप देख ही सकते हैं शाइनिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो देखा आपने दोस्तों कितने इजी थे ये 3 सिंपल स्टेप्स। और तो चलिए मैं एंड में आपको कुछ यूजफुल टिप्स भी दे देती हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन की, क्योंकि नेल्स हमारे जो होते हैं ना वो प्रोटीन से बने होते हैं और बाल भी हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसलिए अपने खाने में प्रोटीन वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं ना सभी शामिल कीजिए। और सेकेंड जो मैं टिप है यहाँ पर देना चाहूँगी कि आप अगर अपने नेल्स से बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो ये आदत छोड़ दीजिए भाई, ये आदत बहुत ही बुरी है, क्योंकि इससे आपके नेल्स जो है कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर होकर टूटने लग जाएंगे और इससे आपके नेल्स की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो डेफिनेटली आप कोई भी काम नेल्स से मत कीजिएगा। और क्योंकि नेल्स में देखिए कोई भी चीज़ चली जाती है तो दुखदाई हो जाती है, अभी बहुत दर्द करती है। तो ये थे मेरे कुछ आज नेल्स ग्रोथ को लेकर इंपॉर्टेंट टिप्स। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए। और आप मेरी इस वीडियो को कर सकते हैं शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी। और मुझे कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है गाइज़ आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने से ना, आगे आगे हमें इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि हमें और कितना हार्डवर्क करना है गाइज़। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।